क्या आश्रम 3 में रोल पाने के लिए ईशा गुप्ता ने किया था प्रकाश झा को परेशान? दिन रात कैसे मैसेजेस भेजती थी डायरेक्टर को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों, आश्रम 3 के ट्रेलर के बाद अब फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही पहुंच चुका है। अब बस इंतजार है तो इसकी रिलीज का। ऐसे में ईशा गुप्ता, जो कि सोनिया का रोल प्ले कर रही हैं आश्रम 3 में, उन्होंने अपने रोल से जुड़े खुलासे किए, साथ ही बताया कौन सा उनका फेवरेट कैरेक्टर है आश्रम का, और ये भी बताया कि कितनी मेहनत उन्होंने की सोनिया के रोल के लिए। ईशा गुप्ता ने कहा कि पहले मेरे पास श्रुति जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि वेब सीरीज के लिए प्रकाश झा के जहन में आपका नाम है। इसके बाद करीब 5 से 6 दिन कोविड में हाँ और ना में यही सब चल रहा था। इसके बाद तो मैं सर के पीछे लग गए। सर ने फिर मुझे बोला कि शायद कास्टिंग हो चुकी है। इसके बाद भी मैं सर को सुबह से लेकर दोपहर और रात तक गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भेजती थी। करीब 20 दिन तक यही सब चला और हमेशा पूछती रही कि क्या हुआ सर। तो जो चीज़ मुझे सच में चाहिए थी वो आखिरकार मुझे मिल गई और ये डील लॉक हो गई। वहीं दोस्तों, सोनिया के रोल के लिए भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और कह रही हैं कि उसे वो जस्टिफाई कर पाएंगी या नहीं, लेकिन फैंस को पूरी उम्मीद है कि ईशा गुप्ता इस रोल को बहुत बेहतरीन से निभाएंगी। ईशा ने आगे कहा, सेट पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरा पहले से इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है, जो भी इस वेब सीरीज में है उन्हें मैं जानती थी, इसीलिए काम करना आसान हो गया। अब वेब सीरीज देखकर ही आपको पता चलेगा कि मैंने भाभा को भगवान बनाया है या फिर बात कुछ और है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी आसान था, पहले फंसना था और फिर फंसाना था। दोस्तों, कितना इंतजार है आपको इस वेब सीरीज का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।